नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पठानकोट के गांव कीड़ी गड़ियाल में ट्रक चालकों के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव ठाकुरपुर निवासी 46 वर्षीय राजेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। सूचना के बाद सदर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय विधायक जोगिंदर पाल, एएसपी आदित्य और एसपी देहात पीएस विर्क ने भी मौके का जायजा लिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक के भाई गोल्डी ठाकुर ने बताया कि रविवार को रात 8:30 बजे नजदीकी गाँव बस्सी प्रहलादपुर निवासी जगजीत सिंह जग्गा राजेंद्र के पास आया और कहने लगा कि अमृतसर निवासी उसके ट्रांसपोर्टर दोस्त के ट्रक ड्राइवर को एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत वहां जाकर ड्राइवर का इलाज करवाना है। जग्गा और राजेंद्र गांव कीड़ी स्थित न्यू वेव स्टोन क्रेशर पर पहुंचे तो वहां घायल ड्राइवर नहीं था। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि ड्राइवर को अन्य ट्रक चालकों ने पीटा है। वह अन्य ड्राइवरों से इस संबंध में बात करने गए तो उन्होंने पहले गाली गलौज की और फिर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान जग्गा वहां से भाग गया लेकिन राजेंद्र को घेर लिया गया। राजेंद्र के भाई ने बताया कि सुबह तक जब राजेंद्र नहीं पहुंचे तो उन्होंने फोन मिलाया। जब बंद आ रहा था जग्गा को फोन कर पूछा गया तो उसने रात की सारी बात परिवार को बताई, जिसके बाद परिवार और गांव के लोग जग्गा को घटनास्थल पर लेकर पहुंचे तो उसी जगह गड्ढे में राजेंद्र का शव पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। थाना सदर पुलिस ने 4 ट्रक जब्त किए हैं। सरपंच सतीश कुमार का कहना है कि कत्ल करने वाले आरोपियों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। उन्होंने बताया कि राजेंद्र का छोटा बच्चा है, पुलिस परिवार को इंसाफ दिलवाए। मौके पर पहुंचे विधायक जोगिंदर पाल ने पुलिस अधिकारियों से बात कर आरोपियों को जल्द काबू करने को कहा है। एसपी देहात पीएस वर्ग का कहना है कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है, जल्द ही आरोपियों को दबोचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।